हेलो एवरीवन, आज किस क्लास में हम एक माइक्रोस्कोप कन्फोकल माइक्रोस्कोप के को पढ़ेंगे। इस माइक्रोस्कोप का सबसे पहले हम रे डायग्राम पढ़ेंगे, मतलब कि इस माइक्रोस्कोप में जो सिस्टम किस तरह से होता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप में लाइट के सोर्स के लिए लेज़र को यूज़ करते हैं। लेज़र से जो लाइट निकलती है वह कंडेंसर लेंस के ऊपर जाती है, और कंडेंसर लेंस से लाइट एक मिरर होता है जिसको हम डाइक्रोइक मिरर कहेंगे, इस मिरर के ऊपर जाती है। ये कंडेंसर और ये डाइक्रोइक मिरर। जब डाइक्रोइक मिरर पर लाइट आती है तो वह लाइट रिफ्लेक्टेड होकर जो स्लाइड के ऊपर आपका स्पेसिमेन है इसे स्पेसिमेन पर जाके गिरेगी, स्पेसिमेन पर लाइट आती है तो स्पेसिमेन से वाइट लाइट वापस ट्रांसमिटेड होगी, और यहाँ पर डाइक्रोइक मिरर और स्पेसिमेन के बीच में ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। तो लाइट स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस पर आती है। अब यहां पर जो भी लाइट आती है, लाइट इस तरह से भी आ सकती है, लाइट यहां पर भी आ सकती है। तो जो लाइट है वो स्कैटर्ड है यहाँ जब ऑब्जेक्टिव लेंस पर आती है। इसके बाद में आगे का सिस्टम डाइक्रोइक मिरर के बाद में यहाँ पर कन्फोकल पिन होल लगा होता है जो इसके अंदर यूनिक है। इस माइक्रोस्कोप में पिन होल जो लाइट ट्रांसमिटेड है स्पेसिमेन से वह ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरी है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से वह लाइट डाइक्रोइक मिरर से होती हुई डायरेक्ट पिन होल से होती हुई यहाँ इमेज प्लेन है, इमेज प्लेन पर जाके गिरती है। ये माना इमेज प्लेन है। जब लाइट इमेज प्लेन पे आती हैं तो कुछ लाइट जो पिन होल से होकर निकल जाती हैं उससे इमेज बनता है यहाँ पर। अगर कुछ लाइट यहाँ पर मैं इस तरह से बनाऊं कि पिन होल ने रोक दिया उस लाइट को, तो उस लाइट से इमेज नहीं बनती है। जो लाइट कन्फोकल पिन होल से होकर निकलेगी वही इमेज प्लेन पे जाके गिरेगी, और उसी लाइट से इमेज बनती है। अब इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम इस कन्फोकल पिन होल को, यह जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं नीचे कर सकते हैं। लाइक एडजस्टर का काम करता है ये इस माइक्रोस्कोप में, हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको और ऊपर करते हैं, देखो इमेजिन करना, इस डायग्राम के अंदर हम इस कन्फोकल पिन होल को अपने यहाँ ऊपर कर देते हैं, तो ये जो लाइट है जैसे ही ऊपर होगा अंदर से होके पिन होल से होकर निकल जाएगी। इसी तरह से इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस स्पेसिमेन को एक स्पेशल फोकल प्लेन में लाकर उस इमेज को हम शार्प बना सकते हैं, या उस स्पेसिमेन की
जो शार्पनेस है उसको बढ़ा सकते हैं कन्फोकल पिन होल के एडजस्टमेंट के थ्रू। यहाँ इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। जब तक स्पेसिमेन फोकल प्लेन में नहीं आएगा तब तक वह शार्प नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ लाइट कन्फोकल पिन होल की प्लेट्स के द्वारा रोकी जा रही हैं। इस वजह से जो लाइट पिन होल से होकर निकल रही हैं तभी वह स्पेसिमेन शार्प दिखेगा। तो उस कंडीशन में हम उस पोजीशन पर इस पिन होल को हम सेट करके इमेज की शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं इंक्रीज शार्पनेस ऑफ स्पेसिमेन। By adjusting confocal pinhole, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं स्पेसिमेन की कन्फोकल पिनहोल को एडजस्ट करके। बिकॉज क्योंकि शार्प इमेज बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ शार्प इमेज रिक्वायर स्पेसिमेन एट फोकल प्लेन। आपको शार्प इमेज बनानी है तो वह स्पेसिमेन एक स्पेशल फोकल प्लेन में होना चाहिए। और आप फोकल प्लेन में लाने के लिए क्या करोगे, इस कन फोकल पिन होल को ऊपर नीचे करके आप उसको सेट कर सकते हो कि जहां पर आपको शार्प इमेज दिख रही है तो वहां पर वह फोकल प्लेन में आ चुका है। तो इससे आपको एक शार्प इमेज बनेगी। इस माइक्रोस्कोप की सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस माइक्रोस्कोप की कि इसके द्वारा हम को लोकलाइजेशन को देख सकते हैं। यहाँ वर्ड आया को लोकलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि स्पेसिमेन के अंदर, जैसे ये स्पेसिमेन था इसके अंदर ये आपको एक चीज दिख रही है, ये कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन इसी स्ट्रक्चर के नीचे एक नई स्ट्रक्चर और है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इसी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल तो 3D में है तो इसी स्ट्रक्चर के नीचे, माना यहाँ मैंने इसी के ऊपर बना रहा हूँ कि इसके नीचे एक और नई स्ट्रक्चर है जो हमें उस ऊपर वाली स्ट्रक्चर की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। तो आप पिन होल को एडजस्ट करके फर्स्ट कंडीशन में तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और सेकंड और एडजस्ट करके आप उसको एक इसी स्ट्रक्चर के नीचे जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसको आप विजुलाइज कर सकते हो। तो कोलोकलाइजेशन का मतलब एक ही जगह पर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देख सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे सेल के अंदर ही यह मान लिया जाए एक्टिन प्रोटीन है, और एक्टिन के जस्ट नीचे ही यहाँ पर एक दूसरा प्रोटीन है विनक्यूलिन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन है, लोकेशन सेम है, तो हमें इनको देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इनकी लोकेशन सेम है। तो हमें एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी ऊपर से, लेकिन आप यदि इस पिनहोल को एडजस्ट करोगे तो आपको दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग टाइम पर विजुलाइज हो जाएगी। थैंक यू।